नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला की वीकेंड क्लास शुरू हो चुकी है। इस क्लास में आज मैं वो चैप्टर्स लेकर आया हूं जिन्हें दोबारा देखने की जरूरत है और जो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किए और कहा कि दोबारा देखना चाहते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने किसी वजह से इन चैप्टर्स को मिस कर दिया हो तो उनके लिए भी ये वीकेंड क्लास बहुत काम की है, क्योंकि यहां पाठशाला के सभी सुपर हिट चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। बीते दो हफ्ते से आप चीन 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 ये हल्ला सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, भारत चीन के सामने कमजोर हो गया, ये सब बहुत सुना होगा। इसको लेके संसद कई दफा नहीं चलने दी गई, संसद में खूब हंगामा हुआ, रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया फिर भी हंगामा हुआ। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं क्या कि इस तरह का हो हल्ला ना कई बार अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि इससे कई बार आपको पता चलता है कि चीन के मामले में बॉर्डर से लेकर अर्थव्यवस्था तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा हल्ला करने वाले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, क्योंकि वो ये सोच के तो करते नहीं कि पाठशाला में सुशांत सिन्हा और उनकी टीम इतनी डीप में जाकर ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर ले आएगी जो लोगों तक पहुंची ही नहीं है, और लोगों को पता चलेगा कि पहले चीन को लेकर हम क्या करते थे, हमारी क्या तैयारी थी, हमसे चीन को कितना फायदा हो रहा था, और अब चीन से हमको कितना, चीन को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, बॉर्डर पे क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था पे क्या स्थिति है। किस सरकार ने चीन, पहले अर्थव्यवस्था की बात करूंगा फिर बॉर्डर की बात करूंगा, चीन को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी क्या फ्री कर रहे हैं आज, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर नरेंद्र मोदी चीन के मामले में कमजोर हैं तो फिर यूपीए सरकार में चीन को फायदा कैसे हो रहा है। दरअसल चीन को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी जो फ्री करने वाले हैं वो है ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिसे एफटीए कहते हैं, जिसको अगर आप देखेंगे, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी पहले ही रेवड़ी कल्चर से बहुत दूर भागते हैं, तो वो जो फ्री कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये देशों के साथ होता है और इसका मतलब पूरा पूरी जो ट्रेड है उसको फ्री कर देना नहीं होता। अभी पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो एफटीए पर कई देशों से डील हो चुकी है और कई देशों से नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जो है वो बातचीत कर रहे हैं। अब ये एफटीए का चीन से क्या लेना देना है आज आपको विस्तार से समझाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझिएगा। देखिए, इसी साल यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए की डील भारत कर चुका है। यूके के साथ यानी ब्रिटेन के साथ एफटीए पर बात चल रही है, 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है या शुरू होने वाली है। बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आगे बढ़ गया है। अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एफटीए, फ्री मतलब मुफ्त, ट्रेड मतलब व्यापार, एग्रीमेंट मतलब समझौता, तो इसमें व्यापार फ्री नहीं हो जाता है, लेकिन इसके जरिए होता क्या है कि दो या उससे ज्यादा देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको क्या करते हैं कि दोनों लोग बात करके सरल बनाने की कोशिश करते हैं, और जो व्यापार में आने वाली रुकावटें हैं उससे उसको दूर कर लिया जाता है ताकि दोनों के बीच व्यापार बढ़ जाए। जो देश ये समझौता करते हैं उसके बीच आयात या निर्यात होने वाले उत्पादों, सेवाओं पर जो सीमा शुल्क लगता है, जो कानून होते हैं, सब्सिडी होती है, कोटा होता है, ये सब बहुत घटा दिया जाता है या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है ताकि आराम से व्यापार। जैसे मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है, दोस्त है, और उसके यहाँ पढ़ाई छोड़ के आपको जाना है खेलने के लिए, कई बार दीवार फांद के जा रहे हैं, कई बार गेट लॉक है तो ऊपर से कूद के जा रहे हैं, तो परेशानी होती है। इसमें क्या, गेट खोल दिया, आओ आराम से, आओ आओ बैठो, बात करते, दोनों लोग चर्चा करते। इसको और भाषा में, आसान भाषा में आपको बताता हूं। जैसे अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझना चाहिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि यहां ऑस्ट्रेलिया है, इससे भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो बीच में कौन आ गया, भारत आ गया, और इधर कौन है, इधर आएगा ग्राहक। भाई ऑस्ट्रेलिया से मान लीजिए कोई चीज आ रही है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया को ये ना कह रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ आओ व्यापार करो, हम तुम्हारे यहाँ व्यापार करेंगे। तो अभी आपको इंपोर्ट का बता रहा हूं, जो हम भारत ऑस्ट्रेलिया से लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया से सामान निकलेगा भारत के पास आएगा, भारत में जो है ये ग्राहक के पास जाएगा। अब मान लीजिए होता क्या है ट्रेड में कि ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान निकला 100 रुपया का, कि भाई हम इंडिया के लिए सामान निकाले बनाए और बोले कि इंडिया में इसको बेचेंगे 100 रुपया। अब मान लीजिए इंडिया इस पर जो है वो 150 रुपए की ड्यूटी लगा देता है, कस्टम ड्यूटी, तो वो प्रोडक्ट बाजार में कितने का हो गया? जब तक आप तक पहुंचा तो ये 100 रुपया प्लस ये 150 रुपया, ये आपको कितने का मिला? 250 रुपया। प्रोडक्ट था कितने का? 100 रुपया का। आपको मिला 250 रुपया का, 150 रुपया यहां जो ड्यूटी लगी कस्टम ड्यूटी वगैरह और बाकी चीजें, उससे किसके पास आ गई? सरकार के पास आ गई। आपने खरीदा, जो आप टैक्स भरेंगे वो सब अलग सरकार के पास आएगा। अब अगर भारत दूसरे देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कर ले, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर, तो इसमें क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं ना बॉस, तुम ये 100 रुपया का सामान है तुमने बनाया, एक काम करता हूं मैं तुमको 50 रुपए की छूट दे देता, मैं तुमसे 100 रुपए की ड्यूटी लेता। अभी कितना ले रहे थे? 150 रुपए। तो अब ये जो प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचेगा ये कितने का पहुंच गया? 200 रुपए। अब आप कहेंगे यार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो घटिया चीज हो गई, यहां अपने देश को 50 रुपए का नुकसान हो गया। यहां पर एक दूसरा लॉजिक काम करता है, दूसरी अर्थव्यवस्था में जो चीज कही जाती है वो काम करती है। अभी क्या होता है, जब पहला वाला आप सिस्टम देख रहे हैं, पहले सिस्टम में क्या होता है कि सरकार जो है जो कमाई कर रही होती है उसमें चूंकि 150 रुपए का टैक्स ले रही है, आपको 250 रुपए का मिल रहा है, तो मान लीजिए आप जो है सरकार का टैक्स कलेक्शन 85 रुपया ना हुआ भाई, तो उस तरह से अगर जब आप कर रहे हैं, मान लीजिए 250 रुपया का सामान खरीद रहे और 10 सामान खरीद रहे, तो 2500 रुपया हो गए। और इसमें अगर आप 150 रुपये के हिसाब से देखिएगा तो सरकार की कमाई कितनी हुई? सरकार की कमाई हुई 1500 × 10, 150 × 10 यानी 1500 रुपये सरकार की कमाई हो गई। ये पहले सिस्टम। दूसरे सिस्टम में क्या होता है कि आपको चूंकि सामान सस्ता मिल रहा है, 200 रुपये का मिल रहा है, तो आप ज्यादा खरीदेंगे भाई, 50 रुपये आपकी बच रही है। तो यहां जो 10 सामान बिक रहा था ये बढ़कर मान लीजिए 30 हो गया, कि अब 30 सामान बिकने लगा, तो सरकार को यहां पर कितनी ड्यूटी मिल रही है? 100 रुपया। 30 × 100 कर दीजिए तो सरकार की कमाई कितनी हो गई? 3000 रुपये हो गई। पहले कितनी हो रही थी? ड्यूटी ज्यादा ले रहे थे लेकिन हो रही थी कमाई 1500 रुपया। यहां सामान ज्यादा बिकने लगा तो ड्यूटी भी बढ़ गई, व्यापार भी बढ़ गया। तो इसलिए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है कि दोनों को फायदा हो जाए। लेकिन इसका बड़ा खेल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार ही पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है। और इसका चीन से कनेक्शन क्या है, अभी उस पर आऊंगा। भारत अब तक 13 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, इसमें से 10 डील जो है वो 2002 से 2012 के बीच, 3 डील जो है वो 5 साल में हुई, 2022 में यूएई और ऑस्ट्रेलिया से जो अभी आपको बताया, और 2021 में मॉरिशस के साथ, और बाकियों के साथ लगातार चर्चा चल रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पहले ज्यादा हुआ, 10 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यही तो खेल है। भारत ने सबसे पहले श्रीलंका के साथ साल 2000 में एफटीए साइन किया कि हम लोग दोनों लोग भाई लोग आपस में थोड़ा ऐसा समझौता करते हैं कि तुम्हारा भी व्यापार बढ़े मेरा भी व्यापार बढ़े, काम चले, दोनों को फायदा हो। फिर सितंबर 2004 में थाईलैंड के साथ किया, अगस्त 2005 में सिंगापुर के साथ एफटीए साइन कर लिया, साल 2006 में सार्क देशों के बीच भी फ्री ट्रेड अरेंजमेंट कर लिया मनमोहन सरकार ने, इसके अलावा साउथ कोरिया से कर लिया, जापान से कर लिया, चिली मलेशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया मनमोहन सरकार ने, यूपीए सरकार। अब आप कहेंगे मनमोहन जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया, इससे तो कमाल हो जाना चाहिए था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि एफटीए पहले भी होते रहे, इसमें नया क्या है? पहले और अब का पहले अंतर समझिए। पहले के एफटीए साइन होने के बाद भारत का दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार तो बढ़ा, व्यापार बढ़ गया, लेकिन हुआ यह कि इसमें इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। इंपोर्ट मतलब जो सामान हम उस देश से खरीद रहे थे, हमने ज्यादा खरीदा लेकिन हमारा सामान उस देश में कम बिका,
मतलब हम दो दोस्त थे, मैंने कहा तुम हमसे सामान खरीदो हम तुमसे खरीदेंगे, तो हमने उससे 10 सामान खरीदा लेकिन उसने हमसे दो ही सामान खरीदा, इस तरह का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, उसको सामने वाले को ज्यादा फायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। अब जिन देशों के साथ भारत का इंपोर्ट बढ़ा, मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे थे हमने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया और हमारा सामान उधर कम बिक रहा, तो उधर व्यापार घाटा भी बढ़ गया। व्यापार घाटा मतलब भाई हम दूसरे से ज्यादा खरीद रहे हैं और हमारा सामान कम बिक रहा है तो हमको नुकसान ना हो रहा है, तो हमारा नुकसान बढ़ गया। व्यापार घाटा मतलब हमारा नुकसान, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर। जब आप ज्यादा सामान खरीदिएगा और ज्यादा कम सामान बेचिएगा तो आपका घाटा ही ना होगा, तो उसको व्यापार घाटा कहते हैं। आसियान देश हो, साउथ कोरिया हो, श्रीलंका हो, जापान हो, जिन भी देशों के साथ भारत ने पहले एफटीए साइन किए उसमें से इकलौता श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले बढ़ गया, यानी वहां हमको फायदा हो। एफटीए साइन करने से पहले आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 15% पे था, मतलब हमको 15% का नुकसान हो रहा था। जब हमने उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया मनमोहन सरकार के वक्त, तो हमारा घाटा बढ़कर 27% हो गया। तो कौन सा तुम एफटीए साइन किए भाई, ऐसा क्या डील करके आए? अच्छा, जापान के साथ जो हमारा घाटा था वो डबल हो गया ट्रेड डेफिसिट। तो मनमोहन सरकार में ऐसे ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए। इसी वजह से 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू किया कि बॉस ये क्या साइन करे आए हो भाई, उनका फायदा हो रहा है हमारा नुकसान हो रहा है, ये क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए हो तुम? और तय किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ऐसी डील करनी होगी जो भारत के पक्ष में ज्यादा हो। अभी तो दूसरे को फायदा हो रहा है क्योंकि भारत के पक्ष में डील ना होने से घरेलू उद्योग पर, मेक इन इंडिया जैसे अभियान पर असर पड़ रहा था। भाई जब हम सब बाहरी से खरीद रहे तो हमारे यहां क्या करेंगे फिर? हम जो बना रहे उसको कहां बेचेंगे फिर? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, इसको चेंज करना होगा। अच्छा, एक और कमाल की चीज देखिए, अब मैं जरा चीन की एंट्री कराता हूं। एक तरफ चीन 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 के सामने अभी सरकार कमजोर है ये कहा जाता है ना। अब आप देखिए, एक तरफ जहां यूपीए राज के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, वहीं इस दौरान जिस चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था उसके साथ चीन को फायदा हो रहा है और हमें नुकसान होता गया, हमारा घाटा बढ़ता गया। मतलब हमने उसको ऐसी डील दे दी कि उससे हमारा आयात, जो हम सामान खरीद रहे थे, वो अथाह बढ़ता चला गया। अब मैं आपको इसको उदाहरण देता हूं और समझिए, अगर नरेंद्र मोदी कमजोर हैं तो भाई मनमोहन सिंह सरकार में चीन की बल्ले बल्ले कैसे थी, चीन को फायदा कैसे हो रहा था? अगर आप इसको समझना चाहिए तो इसको समझिए। 2002-03 जब वाजपेयी सरकार थी तो चीन के साथ व्यापार घाटा में आप व्यापार छोड़ दीजिए, आप सिर्फ घाटा पकड़ के रखिए, घाटा आपको समझ में आएगा कि भारत का घाटा कितना हो रहा है। उस वक्त भारत का घाटा था $1 बिलियन का। $1 बिलियन मतलब करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए। अगले साल 2003-04 जब तक मनमोहन सरकार नहीं आई थी तब भी हमारा घाटा चीन के साथ जो है वो $1.1 बिलियन रहा, करीब इतना ही रहा, ज्यादा नहीं गया, वही उतने पर रहा। इसके बाद आते हैं महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार लेकर। अब आप सुनिए उस जमाने में क्या, जो लोग चीन चीन चिल्लाते हैं उन्होंने चीन चीन के साथ क्या किया जरा देखिए। 2009-10 आते यानी यूपीए 1 खत्म होते होते चीन के साथ हमारा घाटा जो $1.1 बिलियन पे होता था वो बढ़कर $19.2 बिलियन पर चला गया बॉस। $19.2 बिलियन करीब 1.5 लाख करोड़ का घाटा हो गया 5 साल के अंदर। मतलब हम चीन से भर भर के सामान खरीद रहे थे और चीन हमसे कुछ नहीं खरीद रहा था, लगभग इतना हमारा नुकसान हो रहा था, चीन को इतना फायदा पहुंच रहा था, लेकिन ये लोग चीन के सामने मजबूत थे। कमजोर तो नरेंद्र मोदी है ना भाई। फिर आता है 2013-14 का साल, अगले 5 साल में क्या हुआ वो सुनिए। उसके बाद अगले 5 साल में चीन के साथ हमारा घाटा, व्यापार घाटा, वो बढ़कर चला जाता है $19.2 बिलियन से $36.2 बिलियन
मतलब करीब 3,00,000 करोड़ रुपए। यानी अगर कैलकुलेशन करें तो यूपीए सरकार के 10 साल में चीन के साथ जो हमारा व्यापार घाटा था, जो हमारा नुकसान था, वो 33 गुना बढ़ गया, 33 गुना बढ़ गया। और चीन का फायदा बढ़ रहा है और ये लोग चीन को लगाम पकड़ के खींचे हुए थे, ऐसा दावा है। अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड क्या है बॉस, ये भी तो बताओ। अब आप बॉस जब किसी को, किसी के ऊपर देश को इतना निर्भर कर दिए कि आपका व्यापार घाटा $36 बिलियन पर चला गया, मतलब आप सब कुछ लगभग चीन से ही ले रहे हैं और जिनसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। चीन पर अपनी निर्भरता मनमोहन सरकार ने 10 साल में इतनी बढ़ा ली कि नरेंद्र मोदी कोई जादूगर तो थे नहीं कि आएंगे और कहेंगे चलो एक काम करो कल से बंद। अरे बंद तो लाएंगे कहां से बॉस, तो वो काम चला। लेकिन 2017-18, अब आप देखिए यहां से आपको आंकड़ा बताता हूं, जब डोकलाम हुआ उसके बाद से देखिए नरेंद्र मोदी का कैसा तेवर बदला। 2017-18 तक चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीब $63 बिलियन पर पहुंच चुका था, क्योंकि इतनी निर्भरता थी, वो एक रात में तो कुछ होना नहीं था, तो वो 63 तक गया। लेकिन यहीं पर होता है डोकलाम का मामला, डोकलाम में जो चाइना के साथ तनाव हुआ था, वहां से नरेंद्र मोदी ने कहा कि बॉस इसको तो समझाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये पिछला करके गए हैं, इसको कंट्रोल करना। 2019-20 में देखिए क्या होता है, 2019-20 आते आते जो व्यापार घाटा $63 बिलियन पर चला गया था, इंडिया का नुकसान $63 बिलियन पर था, उसको नीचे खींच कर ले आए नरेंद्र मोदी और $48.6 बिलियन पर ले आए। आप सोचिए, यानी अगर आप देखेंगे 2 साल में करीब 23% डाउन कर दिया चीन को, जो भर भर के फायदा हो रहा था ये जो करके गए थे उसको नरेंद्र मोदी ने डोकलाम विवाद के बाद खींच के नीचे लाए कि नीचे आओ तुमसे ये नहीं चलेगा। इंपोर्ट घटाया चीन के साथ, और कैसे घटाया ये अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद आया कोरोना 2021-22, यहां पर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा फिर बढ़ा, $73 बिलियन हो गया। अब आप कहेंगे बॉस हम तो 48 पे ले आए थे, ये $73 बिलियन कैसे हो गया। यहां चीन ने खेल किया, जब कोरोना का संकट काल आया और दुनिया भर में मार्केट खत्म होने लगा, लोगों के पास पैसा नहीं था, कहां से खरीदते, तो चीन के व्यापारियों ने चाल चलनी शुरू की। उन लोगों ने जो उनका प्रोडक्ट मान लीजिए 10 रुपया का था, वो 5 रुपए पे बेचना शुरू किया कि तुम इंपोर्ट करो हम 5 रुपया में बेचेंगे, और चीन की सरकार ने उनको सब्सिडी देकर मदद की कि तुम 5 रुपया में इंडिया को बेचो, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाओ, तुम्हारा 5 रुपए का नुकसान मैं भरूंगा, ताकि यहां मैं शी जिनपिंग उनका जिनका तीसरा कार्यकाल आ रहा था वो अपने लोगों को दिखा सके कि देखो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो जबरदस्त चल रहा। तो ये $73 बिलियन का खेल कोरोना काल में हुआ। लेकिन फिर 2022 में अप्रैल से अक्टूबर तक ये मामला $51.5 बिलियन पर आ गया, और चीन अभी भी खेल और तमाशा कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये कितने दिन करेगा, कितने दिन अपनी उसकी खुद की हालत खराब है, कितना पीछे से पंप करके एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब आप चीन से इंपोर्ट का आंकड़ा साल दर साल देखेंगे ना, तो भी आप हैरान रह जाएंगे। ये तो आपको अभी आपको मोटे तौर पर बताया, जरा आप साल दर साल सुनिए कि कौन चीन से कितना मजबूती से लड़ा। ये देखिए साल चीन से आयात जो हम सामान ले रहे, इसको साल दर साल सुनिए, एकदम एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना चीन से सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। साल 2000 इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चीन से हम सामान लेते थे $1.4 बिलियन, इतना सामान आयात करते थे। 2001 का साल आया $1.8 बिलियन, इतने का सामान ले रहे, अभी देखिएगा कैसे रॉकेट बनेगा ये। 2002 आया $2.6 बिलियन पे पहुंचा, अभी देख रहे हैं एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है 1.4, 1.8, 2.6। फिर 2003 आया, अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, $3.7 बिलियन तक पहुंचा, मतलब 1.4 से $3.7 बिलियन चीन से हम $3.7 बिलियन का सामान ले रहे हैं। अब आते हैं महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह,
और फिर देखिए चीन को जो फायदा होता है उसमें कैसे रॉकेट बनता है। 2004 का साल, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और आते ही चीन से हमारा जो सामान हम खरीद रहे थे वो $6 बिलियन पर चला जाता है, रॉकेट बन के बॉस। साल 2005 चीन से हमने सामान खरीदना जो शुरू किया वो रुक नहीं रहा है, $9.9 बिलियन का इंपोर्ट करने लगे हम। फिर साल आया 2006, अभी सुनते जाइए क्या होता है, ये $9.9 बिलियन 15.8 बिलियन पर पहुंच गया चीन से इंपोर्ट हमारा। साल 2007 आया, ये $15 बिलियन 24.6 बिलियन पर पहुंच गया, यानी 2004, 2005, 2006, 2007 चार साल के अंदर $3.7 बिलियन से चीन से जो हम सामान खरीद रहे थे वो $25 बिलियन पर चला गया मनमोहन सिंह सरकार के बाद। और ये लोग चीन को आंखें दिखा रहे थे, सो कॉल्ड आंखें। साल 2008 में चीन से हमारा आयात $30.2 बिलियन पहुंच गया और ये 5 साल में $3 बिलियन से $30 बिलियन इंपोर्ट पहुंचाते पहुंचाते इन लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि इतना चीन पर निर्भर बन रहे हैं कैसे इसको पलट के आंख दिखाएंगे बॉस। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं ये किसी काम का नहीं आ रहा, हम तो चीन से सामान खरीद रहे हैं। और इन्होंने नहीं सोचा कि कल को इंडिया चीन के ऊपर इतना निर्भर होगा तो कैसे हम पलट के उसको कहें, वो हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा भाई। साल 2009 में $28.8 बिलियन। साल 2010 आया, इस साल $41.3 बिलियन का आयात किया गया। 2011 इस साल $55 बिलियन पे चला गया चीन से सामान जो हम खरीद रहे थे और एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे थे बॉस, ना के बराबर। साल 2012 आया $53.9। ये वो वर्ष हैं 10 साल जब चीन के ऊपर हम कंधा रखकर नहीं उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से बैठ गए कि तुम ही हमको लेके चलो, और ऐसी ऐसी चीजें जो भारत में बनती थी वो भी हमने चीन से लेना शुरू कर दिया। ये वो 10 भयानक साल हैं जब हम चीन के ऊपर डिपेंडेंट होते चले और कहा जाता है कि चीन को आंखें नहीं दिखाई जा रही है। आंखें कैसी दिखाई गई आपको दिखाऊं, 2017 जब डोकलाम होता है, ये वही साल है जब डोकलाम हुआ, ये तो पूरा निर्भर करके चले गए। जब डोकलाम होता है चीन से इंपोर्ट उस वक्त तक पहुंच गया था $76 बिलियन, $76.38 बिलियन तक पहुंच चुका था, क्योंकि आप इतना फैला के गए थे रायता कि उसको समेटना एक दिन की बात नहीं। और उस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट था ये इंपोर्ट है, और एक्सपोर्ट हमारा कितना था जिस वक्त डोकलाम हुआ, उस वक्त हम $13 बिलियन के आसपास कर रहे थे एक्सपोर्ट चीन को। 2018 में देखिए आप कैसे इच्छा शक्ति दिखती है, 2018 में जो 76 पे था वो $70 बिलियन पर सीधा $6 बिलियन का इंपोर्ट कम कर दिया भारत ने, और जो एक्सपोर्ट था एक्सपोर्ट वो 13 से बढ़कर $16.7 बिलियन पर चला गया कि तुम खरीदो हमसे, हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। 2019 का साल देखिए, 76 से घटाकर 70, 70 से लेकर आए $65 बिलियन पर, आयात गिरा दिया नरेंद्र मोदी ने, तुम आंख दिखाते हो, पहले तुमसे हमको अपनी निर्भरता कम करनी होगी, और एक्सपोर्ट बढ़ाकर ले गए $16 बिलियन के ऊपर, 16.6। साल 2020 में जो चीन से हम सामान खरीद रहे थे वो हमारा इंपोर्ट $65.2 बिलियन पर ही रहा, मतलब उसको बढ़ने नहीं दे रहे, और एक्सपोर्ट बढ़ाकर कहां ले गए $21.2 बिलियन। तो जो आदमी चीन पर निर्भरता कम कर रहा है, जो आदमी चीन को बता रहा है कि भैया तुम डोकलाम करोगे तो तुम्हारी ये हालत कर देंगे, $76 बिलियन से $65 बिलियन पर ले आएंगे, उसके लिए कहा जाता है कि वो बाहर शेर और अंदर चूहा है। और अगर आप इतना शेर थे तो भैया चीन को फायदा कैसे हो रहा था, थोड़ा ये भी समझा दो। जब चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा तो उस वक्त यूपीए के राज में
आरसीईपी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, जिसमें चीन भी था। अब आप देखिए कैसे उस वक्त चीन को फायदा हुआ। आरसीईपी से पहले ईस्ट एशिया एफटीए हुआ करता था, जिसमें आसियान के देश थे, तीन ट्रेड पार्टनर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया थे। इसी से आरसीईपी का आइडिया आया। 2011 में आरसीईपी की बातचीत में भारत भी शामिल होने पर सहमत हो गया, मनमोहन सरकार। जबकि उस वक्त जो आरसीईपी के देश थे उसमें चीन को छोड़कर जो बाकी के देश थे, सबसे अलग अलग एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर भारत की ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। यानी भारत अगर आरसीईपी में शामिल हो रहा था तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। फायदा किसका होता? चीन का होता, जिसको ऑलरेडी हम भर भर के फायदा दे रहे थे। उससे फ्री ट्रेड में फायदा देते और आयात बढ़ता और भारत चीन पर निर्भर हो जाता। लेकिन मनमोहन सरकार ने कहा नहीं, हम आरसीईपी में आएंगे। अरे भाई, जब उन देशों से अलग से फ्री ट्रेड चल रहा तो क्यों जाएंगे? फिर 2012 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन कमेटी ने यह कहा कि आरसीईपी से दूर रहना प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। जबकि उसी वक्त यह समझ में आ रहा था कि आरसीईपी की वजह से चीन का सस्ता इंपोर्ट भारत के बाजारों में आ जाएगा और हमारा घरेलू उद्योग बर्बाद हो जाएगा। इसके बावजूद आरसीईपी पर बातचीत चलती है। आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी साल जनवरी में यह अमल में आ गया। अगर मनमोहन सरकार होती तो शायद हम भी इसका हिस्सा होते। इसमें चीन के अलावा एशिया पैसिफिक के 14 देश शामिल थे। आरसीईपी की बातचीत में पहले भारत भी शामिल था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में इस समझौते से भारत को अलग कर लिया। पिछली सरकार कर रही थी तो कैरी हो रहा था, डोकलाम हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा बंद करो, इसको फ्री में देंगे, हटाओ इसको। आशंका थी कि चीन से सस्ता इंपोर्ट भारत के बाजारों में भर जाएगा, इसलिए भारत इससे बाहर हो गया। चीन के सस्ते इंपोर्ट के खिलाफ मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया, आपको यह भी बताता हूं। ये इंपोर्ट जो घटा ऐसे नहीं घटा, आरसीईपी से भारत ने खुद को अलग किया, जिससे चीन का सस्ता माल भारत के बाजारों पर कब्जा न कर। दूसरी बात, भारत ने उन देशों से एफडीआई को सीमित कर दिया जिन देशों से भारत का बॉर्डर जुड़ता है। इससे भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की आशंका खत्म। तीसरी बात, घरेलू उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए चीन से आने वाले 13 गैर जरूरी सामानों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। जो जरूरी नहीं है तुमसे नहीं लेंगे, रखो अपने पास। आज की डेट में भारत का जो इंपोर्ट है चाइना से, जो बढ़ा हुआ अभी अगर दिखता है, तो वो इसलिए है कि भारत वहां से रॉ मटेरियल खरीद रहा है। पहले बना बनाया सामान लेता था, अब हम यहां बना रहे हैं, लेकिन चूंकि इतनी निर्भरता है कि एक रात में कम नहीं होगी, तो वहां से अब रॉ मटेरियल मंगाते हैं और खुद बनाते हैं। चौथी बात, चीन से आने वाले लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल को नरेंद्र मोदी सरकार ने सख्त कर दिया और 50 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए। पांचवी बात, 89 से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिसमें खिलौने थे, फर्नीचर थे, ये सब शामिल। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी संसद में बताया कि कैसे मोदी सरकार में चीन पर निर्भरता को कम किया गया। एक बार जरा उनको भी सुनिए। It's important that the country recognizes and realizes how we have become dependent on a country which has inimical interests and how this government has through a number of initiatives today focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production linked incentive schemes where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores and 24 other sectors where we will be giving as government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive and start reducing imports of China. And I'll just give one example, sir. Mobile phones. India used to import almost 100% of mobile phones, sir. We had only two plants doing mobile phones in this country. Thanks to the PLI scheme, today we have over 200 companies in the mobile phone ecosystem. And we are now not only producing for India, but we are a large exporter of mobile phones. खुद बता रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल कि हम तो मोबाइल तक जो है वो बाहर से एक एक मोबाइल मंगाते थे।
आज हम दुनिया को मोबाइल बेच रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान चीन पर हम इतने निर्भर हो गए, इतने निर्भर हो गए कि एक वक्त में जो चीज भारत दूसरे देशों से में एक्सपोर्ट करता था, हम दूसरों को बेचते थे, वो भी हम चीन से खरीदने लगे। उसके लिए भी चीन पर निर्भर हो गए। आपको एक उदाहरण से बताता हूं। एपीआई होता है, जिसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे दवाइयां बनती हैं। एक वक्त में भारत उसका बड़ा एक्सपोर्टर था, हम दुनिया को देते थे एपीआई, बनाओ दवाई। हमारे एपीआई के दम पर चीन की फार्मा इंडस्ट्री बूम कर रही थी, वहां दवाइयां बन रही थी। लेकिन अब भारत करीब 85% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए किस पर निर्भर है? चीन पर। इस तरह से हमने अपने हाथ में जो चीजें थी वो उठा उठा के चीन को दी। लेकिन भारत अब ऐसी एफटीए डील कर रहा है जिसमें उसका नुकसान नहीं, फायदा होगा। इसे आपको भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एफटीए के उदाहरण से बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भारत जो भी ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है उसमें से 96% चीजें ऐसी होंगी या सेवाएं ऐसी होंगी जिन पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि अभी 4-5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया से भारत ज्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। एफटीए लागू होने के बाद यह होगा कि भारत की इंडस्ट्री को सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे स्टील, एल्यूमिनियम, फैब्रिक, गारमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो भी करीब 2 लाख करोड़ का है, वो 5 सालों में बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इस समझौते से भारत के अंदर करीब 10 लाख नौकरियां जनरेट होगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट भी 2027 तक 82,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए का अनुमान है, जस्ट डबल। भारतीय एक्सपोर्टर को टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और ज्वेलरी पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया को नहीं देनी होगी। हर साल 1800 शेफ और योगा टीचर को 4 साल का वीजा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। एग्रीमेंट से ऑस्ट्रेलिया के बाजार में भारतीय दवाइयों को मंजूरी मिलना आसान हो जाएगा। जो भारतीय फर्म ऑस्ट्रेलिया में टेक्निकल सर्विसेज दे रही हैं, उन पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया जाएगा, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये हुआ है फ्री ट्रेड। उस फ्री के बारे में आपको बता रहा कि भारत के पक्ष में समझौते करो दूसरे देशों से, भारत को मजबूत बनाओ, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाओ और चीन को कमजोर करो, चीन पर निर्भरता कम करो, तब भारत चीन से असल में लड़ पाए। तो किसने क्या किया था, समझ जाइए, कौन शेर कौन चूहा, सब समझ में आ जाएगा।